तमाम किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रिजवान गंगावली आशियाना रैपिड फार्म की तरफ से आज एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है रैपिड फार्मिंग के अंदर आपको बतानी थी। ये हमारी डॉक्टर साहब की फरमाइश है कि लोगों को रैपिड फार्मिंग के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी देना है, क्योंकि कोई भी जानकारी कोई भी मालूम हमें जो है आशियाना रैपिड फार्म वालों को वो अपने सीने में नहीं रखना है, सबको दिखाना है, सबको बोलना है रैपिड फार्मिंग के अंदर कौन कौन सी चीजों के ऊपर एहतियात किया जाता है। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि रैपिड फार्मिंग के अंदर जो पिंजरे आप इस्तेमाल करते हैं खरगोश को पालने के लिए, ये पिंजरे हर चार महीने में एक बार आपको इन पिंजरों के अंदर के जो खरगोश होते हैं इनको दूसरे पिंजरों में शिफ्ट करना होगा। फिर जो शिफ्टिंग हो जाने के बाद में जो पिंजरे खाली हो जाते हैं इसको एक बार गैस बर्नर से पूरा आप इसको बर्न करेंगे। ये बर्न करने का प्रोसीजर कैसा है मैं आपको एक पांच मिनट के बाद में बताऊंगा, उससे पहले थोड़ी जानकारी आपको देना है रैबिट फार्मिंग के बारे में। सबसे पहले मैं रैबिट पालने वाले तमाम किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि रैबिट यानी खरगोश आप जब पालते हैं तो ये असल में बिजनेस नहीं है, ये जो है एग्रीकल्चर है। यानी किसान जब अपनी जमीन को धान पैदा करने के लिए या चावल पैदा करने के लिए उसको रेडी करता है, तैयार करता है, तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत उसको लगती है। खेत के अंदर जो काम करना होता है, बीज वगैरह डालना होता है, तो उसके बाद में उसकी फसल तैयार होगी, फिर कटाई होगी, तो फिर उसके बाद में उसकी मार्केटिंग होगी। ऐसे ही समझिए आपके रैबिट फार्मिंग के अंदर यही सिस्टम है। अगर आप रैबिट फार्मिंग करना चाहते हैं तो छोटे स्केल पर आपको स्टार्ट करना होगा, यानी 10 खरगोश से आपको स्टार्ट करना होगा। क्योंकि आशियाना रैबिट फार्म इससे पहले सालों से आपको बता रहा है कि रैबिट जो आपको पालते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप मत पालो, यानी कम से कम 10 खरगोश या 20 खरगोश से आपको फार्म अपना स्टार्ट करना होगा। फिर उसके बाद में उसके पीछे मेहनत करनी होगी, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उसके बाद में फिर उसको आप सेल करेंगे तो आपको मुनाफा उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप खरगोश आज ही पालेंगे, 100 खरगोश 150 खरगोश पालेंगे और कल आपको उसका मुनाफा आएगा ऐसा सोचेंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम आपको बार बार ये बात बताते हैं कि रैबिट फार्मिंग जो है स्टार्टिंग में आपको मुनाफा नहीं देगा, कम से कम आपको 4 महीना या 5 महीना आपको इंतजार करना होगा। हमने बहुत सारे वीडियो में देखा है, खास करके हरियाणा से बहुत सारे जो है डीलर रैबिट फार्मिंग वाले जो है लोगों को मिस गाइड करने के लिए बार बार ये बात बताते हैं कि आप 10 खरगोश अगर पालेंगे तो आपको इसके अंदर मुनाफा नहीं होगा, कम से कम आपको 100 खरगोश या 200 खरगोश पालना होगा। मैं ये बात बताना चाहता हूं जो लोग ऐसे वीडियो डालते हैं यूट्यूब के अंदर या सोशल मीडिया में कि आप कितने सालों से रैबिट फार्मिंग स्टार्ट किए हुए हैं और आपको खरगोश दिया किसने है? आप 10 साल से 15 साल से 20 साल से कर रहे हैं तो आपको खरगोश किसने दिया? कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जो है खरगोश आपको आशियाना रैबिट फार्म से ही आया होगा, क्योंकि आशियाना रैबिट फार्म अकेला ऐसा फार्म है जो विदेश से यानी दूसरी कंट्री से जो है खरगोश को जो है इम्पोर्ट किया हुआ है और 20 सालों से यह सिलसिला चलता आ रहा है और पूरे हिन्दुस्तान के अंदर आज जो है खरगोश फैले हुए हैं और ये नस्ल जो है मुझे लगता है कि आशियाना रैबिट फार्म से ही हर जगह में सप्लाई हुई है। तो लोग बैठे बैठे बताते हैं लोगों को कि 10 खरगोश पालने से कुछ मुनाफा नहीं होगा, आप 100 पालो या 150 पालो, उसके बाद में जो परेशानी आएगी किसानों को इसका हल कहीं नहीं मिलेगा। आज हमारे कर्नाटक की हालत ऐसी है कि हर जगह में जो है खरगोश लोगों के पास 100, 200, 300, 400, 500 पड़े हुए हैं और कोई खरीदी करने वाला नहीं है। देखिए असल में खरगोश जो है हम लोग पालते हैं मीट के लिए, इसकी कीमत जो है घुमा फिरा के आप कहीं भी जाएंगे तो 180 रूपये से 200 रूपये किलो है, क्योंकि मटन आपको अगर 450 रूपये में मिलता है या 500 में मिलता है तो कम से कम खरगोश का मीट जो है आपको 50 रूपये 100 रूपये कम में सेल करना है, तभी जाके इसकी मार्केटिंग होगी, लोग खाना पसंद करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी फार्मर खरगोश पालता है तो सबसे पहले खुद खरगोश खाए फिर लोगों को खिलाए। अगर आदमी खरगोश खाना नहीं चाहता और वो वेजिटेरियन है यानी शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, तो दूसरों को खिलाए, वरना ये बिजनेस जो है आगे चलने वाला नहीं है। अभी आप देखिए केरला के अंदर कम से कम हमारे आशियाना रैबिट फार्म में डॉक्टर साहब जो है 20 सालों से ये काम कर रहे हैं और लोगों को बाकायदा खरगोश खिला रहे हैं और ये वाहिद ऐसा आशियाना रैबिट फार्म का सिस्टम है पूरे हिन्दुस्तान के अंदर। आशियाना रैबिट फार्म जिसको खरगोश देता है उससे खरगोश वापस भी लेगा। अगर आपको खरगोश फार्मिंग करना है, इसके अंदर कुछ अगर आपको मेहनत करनी है तो 10 खरगोश या 20 खरगोश से चालू कीजिए आप। हो सका तो सबसे पहले खरगोश पालने से पहले आपको इसकी पूरी जानकारी लेना है। या आप कर्नाटक आ सकते हैं या आप
हेड ऑफिस जो हमारा आशियाना रैबिट फार्म का केरला तिरूर में है, वहीं पे भी जाके डॉक्टर साहब से भी जो है जानकारी ले सकते हैं। मैं आप सबों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना जानकारी के आप खरगोश मत पालो, बिना इसके बारे में मालूमात लिए हुए खरगोश मत पालो, क्योंकि इसके अंदर आपको आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर कोई आदमी अगर बोलता है आपको कि मैं आपको 100 खरगोश दूंगा, 200 खरगोश दूंगा और आपसे रिटर्न भी लूंगा 350 रुपए में, 350 रुपए में अगर खरगोश आदमी रिटर्न ले रहा है तो क्या कर रहा है, तो आपको समझना है। क्योंकि गोश्त की कीमत जो है, मीट की कीमत 180 से 200 रुपया है, और आदमी अगर 350 रुपए में लेने की बात कर रहा है तो समझिए कि आपसे खरगोश उठाएगा कहीं और दूसरे आदमी को, फिर उसकी यूनिट बना के सामने वाले को सेल करेगा। यही बिजनेस चल रहा है यहाँ पे, लेकिन यह सरासर गलत है। आपको अगर खरगोश फार्मिंग करना है तो सबसे पहले खुद को खरगोश खाना पड़ेगा और लोगों को खिलाना पड़ेगा। यही आशियाना रैबिट फार्म आपको बार बार सालों से ये बात बता रहा है। अभी देखिए, बहुत सारे लोगों के पास माल पड़ा हुआ है, किसी के पास 400-500 खरगोश पड़े हुए हैं। एक तो हमारे से आशियाना रैबिट फार्म से ये लोग कभी कांटेक्ट किए ही नहीं और हमसे खरगोश खरीदी भी नहीं की, और अभी फोन करके बोल रहे हैं कि सर हमारे पास इतना खरगोश पड़ा हुआ है, इसको आप सेल करा के देंगे। हम लोग कर रहे हैं कोशिश, बहुत कोशिश कर रहे हैं। जो भी डीलर है जिसको गोश्त कटिंग करके जो हैदराबाद भेज रहा है, कोई तेलंगाना भेज रहा है, कोई केरला भेज रहा है, तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करके उनके नंबर वगैरह उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं और बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक बार इनके पास जो जमा माल पड़ा हुआ है इसको एक बार खत्म करें। लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद को इसकी मार्केटिंग करनी होगी, लोगों को गोश्त के बारे में बताना होगा, फिर लोग गोश्त इसका खाना चालू करेंगे, तो 2-4 साल के अंदर इंशाल्लाह जो है इसकी मार्केट जो है आगे बढ़ जाएगी। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये पिंजरे जो आप देख रहे हैं, ये पिंजरों को जो है हम लोगों ने 2 दिन के पहले रेडी किया है, यानी ये हमारे पुराने पिंजरे हैं। अभी एग्जाम्पल समझिए आप, ये पिंजरे देखिए आप, इसके ऊपर जो है पूरे बाल लगे हुए हैं। खरगोश के बाल जो है सबसे बड़ी बीमारी है खरगोश के लिए। हर पिंजरा 4 महीने के बाद में आपको ऐसा नजर आएगा कि इसके अंदर पूरे बाल जो है लगे हुए हैं, और ये बाल जो है खरगोश को बीमारी का कारण बनते हैं। अगर आप अपने फार्म में काम करते हैं तो ये बाल जो है आपकी भी नाक में जाके जो है आपको भी एलर्जी का कारण बन सकते हैं, आपको भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आपको करना क्या है कि हर 4 महीने में इस पिंजरे के खरगोश को उठा के दूसरे पिंजरे में आपको शिफ्ट करना है, फिर इस पिंजरे को जो है आपको फुल बर्न करना है, यानी इसको लाइट जो है आग से जलाना है। जलाने के बाद में जो है इसको आप मेटल प्राइमर जो आता है, जो लोहे को जो पेंट किया जाता है, उसको एक बार पूरे पिंजरे को आपको मेटल प्राइमर मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको मनचाहा कलर, आप जो कलर पसंद करते हैं, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, या जो है व्हाइट कलर, येलो कलर जो है, इसके ऊपर आपको पेंट लगाना होगा। पेंटिंग करने के बाद में जो है यहाँ के खरगोश जो है आप फिर यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे 1 या 2 दिन के बाद में। ये सिलसिला जो है आपको कम से कम 1 साल के अंदर 3 मरतबा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो बाल होते हैं इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होता है, और आप इसको कपड़े से पोछेंगे या आप इसको पानी डालेंगे तो ये किसी सूरत में खत्म होने वाला नहीं है। और ये सिस्टम जो है आशियाना रैबिट फार्म हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले आपको बता रहा है, यानी हमारे पास ट्रेनिंग लेने वालों को ये बात मालूम है, वरना किसी हिंदुस्तान के अंदर खरगोश पालने वालों को ये बात मालूम नहीं है। आज तक कोई डीलर या कोई फार्मर्स किसी को बताया नहीं कि ऐसा करना है, हम बता रहे हैं आपको। हो सकता है हमारी वीडियो आने के बाद में इसका कॉपी दूसरे लोग करेंगे, वो अलग बात है, उसको छोड़िए। पहले सबसे पहले आपको देखिए, इसके ऊपर जो बाल जमा हुए हैं ये जो है बैक्टीरिया होता है इसके ऊपर, ये इसको जब तक आप जलाएंगे नहीं तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे जलाया जाता है, और उसके बाद में इसको आपको पेंटिंग कर आपको करना है पेंटिंग। पहले आप जलाने का सिस्टम जो है वो देखिए। देखिए सबसे पहले जो है आप अपने चेहरे पर जो है मास्क लगा लीजिए, उसके बाद में जो है आपको एक बर्नर लेना है, ऐसा वाला एक बर्नर आता है जिससे गैस निकलती है। ये जो गैस का सिलेंडर है, ये ऐसा छोटा वाला सिलेंडर भी आप इस्तेमाल करते हैं, या तो अपने घर की रसोई की गैस भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। बस आपको ये करना है कि इसको गैस इसमें चालू करना है, देखिए आपको जो है सिर्फ खरगोश को जो है दूसरे पिंजरे में शिफ्ट करना है। पिंजरा यहीं पे रहेगा आपके फार्म के अंदर, आप इसको गैस से लाइट, यानी बहुत ज्यादा आप इसको आग नहीं जलानी है, लाइट आग से जो है ये पिंजरों के ऊपर आपको जितने बाल हैं इसको पूरा आपको बर्न करना होगा। ये
पूरे बाल जो है अच्छी तरह से जलने चाहिए। जब तक बाल नहीं जलेंगे तब तक आप जो है इसको ऐसे ही जलाते रहिए लाइट सी आग से। ऐसे जलाने से जो है खरगोश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि खरगोश बाकी दूसरे पिंजरों में रहेंगे। पिंजरे के नीचे जो है टॉप बॉटम के ऊपर जो भी बाल होते हैं इसको भी आपको अच्छी तरह से जलाना है, कोई भी बाल बाकी नहीं रहेगा। पूरा पिंजरा मुकम्मल तौर पर ऊपर नीचे हर जगह में आपको जलाना है, कोई भी बाल बाकी नहीं रहना इसके अंदर। देखिए पूरे पिंजरे को जो है मुकम्मल जलाने के बाद इसकी एक भी बाल बाकी नहीं रहना चाहिए। पूरा पिंजरा बर्न होने के बाद में आपको सबसे पहले जो मेटल जो है प्राइमर आता है इसको आपको एक बार पूरे पिंजरे को आपको इसको पेंटिंग करना होगा। उसके बाद में जो है आधा घंटा छोड़िए आप, फिर उसके बाद में जो है स्काई ब्लू हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इससे आप पूरे पिंजरे को जो है पेंट करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पिंजरा जो है कल इसको हम लोग बर्न करके पेंटिंग किए हैं। स्काई ब्लू मारने के बाद में हम लोग क्या करते हैं एक दिन इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में जो है दूसरे पिंजरे के खरगोश जो है हम लोग यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे, फिर वो पिंजरे का काम चालू होगा। इसी तरह आपको अपने फार्म के अंदर जितने भी आपके पिंजरे हैं 5, 10, 15, 20 या 25 हर पिंजरे को जो है मिनिमम आपको एक साल के अंदर 4 मरतबा इसको बर्निंग करके जो है ये प्रोसीजर आपको करना होगा। इससे बहुत सारी बीमारियां निकल जाएंगी और जो है पिंजरे आपके साफ सुथरे रहेंगे और खरगोश को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये खास करके वीडियो जो है डॉक्टर साहब के कहने के ऊपर बताई गई है क्योंकि ये जानकारी जो है लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है।